बलियापुर गांव में सोमू अपनी पत्नी मालती और बेटी प्रीति के साथ रहता था। उनके पास उनका एक बैल बादल भी था, जिसकी मदद से वो खेती करते थे। लो और खाओ, जी भर कर खाओ। आखिर तुम ही हो जिसकी वजह से आज हम लोग दो वक्त का खाना खा पाते हैं। खाओ मेरे बच्चे। सोमू बादल को अपने बच्चे की तरह प्यार दुलार किया करता था। दोपहर में सोनू अपनी बीवी से, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? जी हाँ आई, क्या हुआ? मैं बादल को नहलाने तालाब पर लेकर जा रहा हूँ और आते वक्त खेत से होता आऊंगा कि फसल कैसी हो रखी है। ठीक है? ठीक है ठीक है। आपको तो बस अपने बादल के साथ समय बिताने का बहाना चाहिए। उसके बाद सोमू बादल को लेकर तालाब पर जाता है और उसे बड़ी अच्छी तरह से नहलाता है। मेरा सुखी परिवार जिसका है आधार, तू मेरे बादल यार, हाँ तू मेरे बादल यार। बादल बूढ़ा होने के बावजूद सोमू के साथ मस्ती में झूमता रहता है। उसके बाद सोमू बादल को लेकर खेतों में से होता हुआ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। अरे सोमू भाई, क्या बात है भाई, बुढ़ापे में भी बादल की चमक तो बढ़ती जा रही है। इस बार की प्रतियोगिता की तैयारी हो रही क्या है? अरे कैसी बातें करते हो भाई, वो वक्त गया जब बादल के सामने कोई बैल टिकता नहीं था, लेकिन अब मेरा बादल बूढ़ा हो चुका है, मैं उसे प्रतियोगिता में नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है सोमू भाई, बादल में अभी भी कोई कमी नहीं है। हाँ? बाकी देख लो, तुम्हारा अपना विचार है। सुझाव के लिए धन्यवाद भाई, माफ करना देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। अगली सुबह सोमू शहर जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने उसे रोका। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि आप जाते जाते बादल को भी ले जाइए। मैं इतनी गर्मी में बादल को ले जाकर क्या करूँगा, बेचारा परेशान होगा। देखिए अब बादल बूढ़ा हो गया है और ये हमारे किसी काम का नहीं, अब ये खेतों में काम नहीं कर सकता है। तुम पागल हो गई हो क्या, कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ, हम अपने खर्चे की पूर्ति ही जैसे तैसे कर पाते हैं, अब बादल का खर्चा बिना कमाए कैसे उठाएंगे। तुम जानती भी हो कि बादल ने कितनी खराब खराब परिस्थिति में हमारा काम किया है। आप मेरी बात मानिए और इस बूढ़े बैल को बाजार में कसाई के यहाँ बेच आइए, क्योंकि अब हम इस बैल को नहीं पाल पाएंगे। हमने बैल को कभी नहीं पाला, बल्कि बैल ने सदा से हमारा परिवार पाला है। मुझे बैल से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं भी हमारी हालत को ध्यान में रख कर बोल रही हूँ। मैं आज नए बैलों की जोड़ी ले जाऊंगा, लेकिन बादल इस घर से कहीं नहीं जाएगा। मैं भी बादल से प्यार करती हूँ, लेकिन मजबूरी के हालात देखकर मैं बहक गई थी। कोई बात नहीं, मैं अब शहर जा रहा हूँ। सोमू शहर में गया और उसने देखा कि वहाँ कुछ किसान पशुओं को बेच और खरीद रहे हैं। अरे ये भी सही है, सभी लोग मुझे जल्दी मिल गए हैं। अब यहाँ से एक सुंदर सी बैलों की जोड़ी खरीद कर घर ले जाऊंगा, मालती बहुत खुश होगी। सोमू व्यापारी महकार के पास गया। आइए आइए सोमू, और क्या हाल है? जी भैया, आपकी कृपा है, मैं एक बैलों की जोड़ी लेने आया हूँ। बैलों की जोड़ी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे एक की जगह दो ले जाओ, लेकिन बदले में मुझे बादल चाहिए भैया। बादल? वो अब किसी काम का नहीं है, वो तुम्हारे खेतों में काम नहीं कर पाएगा। अरे भैया, सभी चीजों की जिम्मेदारी मेरी है, तुम सिर्फ बादल दे दो। मैं बादल को बेचना नहीं चाहता, और वैसे भी उसे अब कोई नहीं खरीदेगा। मैंने पहले भी कई बार समझाया है और आज भी प्यार से समझा रहा हूँ कि चुपचाप बादल को मुझे दे दो। भैया बादल मेरे बेटे जैसा है, जीवन भर उसने मुझे कमाकर खिलाया है, अब मैं उसे किसी को नहीं बेच सकता हूँ। मैं तुमसे अपने खेत वापस ले लूंगा, फिर तुम क्या करोगे? मजदूरी के लिए यहाँ वहां भटकोगे, लेकिन पूरे गांव में सभी मेरी बात मानते हैं, मेरे मना करने के बाद कोई तुमको काम भी नहीं देगा। भैया ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। फिर सोच लो कि तुम बादल को मुझे बेचोगे या नहीं। चाहे मेरे कितने भी बुरे दिन आ जाए, लेकिन मैं बादल को तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, अब उसके बुढ़ापे में मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है,
फिर तुम याद रखना कि तुम्हें बादल को ना बेचने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे? मैं बादल के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि तुम किसी गरीब के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो। सोमू बिना बैल खरीदे ही वापस घर की ओर निकल गया। वहां उपस्थित एक अन्य व्यापारी ने महकार से पूछा, महकार भाई, सोमू का बैल बूढ़ा हो चुका है, तुम उसको खरीदने पर क्यों तुले हो? तुम नहीं जानते कि उस बैल में क्या है। मैं उस बैल को खरीद कर बैलों की दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, वो बूढ़ा बैल कैसे दौड़ पाएगा? और अगर ऐसा होता तो फिर सोमू भी उसे दौड़ा सकता था। सोमू ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हर बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रुकवा दिया है, और अब उसको खुद ही बादल पर भरोसा नहीं है, जबकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब आगे क्या करोगे? 2 दिन बाद बैलों की दौड़ प्रतियोगिता है। बादल बहुत सुंदर है, आधे से ज्यादा लोग तो उसकी सुंदरता पर ही पैसे लगा देंगे। मैं 1 दिन में बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, और फिर ये संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं आखिर तक पैसे कमाऊंगा। हाँ सही है, मेरे हाथ अब सोने का बैल लग गया है, सोना ही सोना होगा। दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। अगले दिन सोमू और मालती दोनों उदास बैठे थे। तुम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हो, मैंने पहले ही कहा था कि इसको बेच दो। ये हमारा भाग्य है कि कोई स्वयं चलकर इस बूढ़े बैल को खरीदने आ रहा है। अब तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं सारी बात समझती हूँ, मेरे लिए भी बादल बहुत प्यारा है, और उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। लेकिन महकार बहुत खतरनाक व्यक्ति है, हम उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। महकार जो बोलता है वो करता है, अब वो बादल को हमारे साथ नहीं रहने देगा। सोमू और मालती बादल को पकड़कर रोने लगे। सोमू उसको पकड़कर चूमता है और फिर रोता है। वो दुष्ट तुम्हें लेने आता होगा, मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ मेरे बच्चे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस दुष्ट से तुमको नहीं बचा पाया, क्योंकि उसके सामने मैं कमजोर हो गया। हमें क्षमा कर देना बादल, अब तुमको दुष्ट से बचाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतना समय भी नहीं बचा कि हम तुम्हारे साथ ये गांव छोड़कर भाग जाएं। बादल कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी भी भावनाएं हैं। उसको सब कुछ समझ आ गया, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। सोमू ने बैल को खोला और रात में ही उसे महकार के घर बांध आया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। आ बस कर, अब बहुत हुआ तेरा काम, अब ये मेरा हुआ, जाओ यहाँ से। सोमू वहां से जाने लगा, लेकिन बादल की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। सोमू ने जब अगली सुबह उठकर देखा तो बादल बाहर खड़ा होकर घास चर रहा था। अरे बादल मेरे बच्चे, तू आ गया, ये सच्चा प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम है, मेरा बादल वापस आ गया। सोमू बादल से जाकर लिपट गया। तभी उसने देखा कि बादल के पैर में चोट लगी है। बादल मेरे बच्चे, तुझे ये चोट कैसे लग गई? जरूर ये दुष्ट महकार का ही कारनामा है, उसने ही तुझे मारा होगा। महकार के कारण सोमू और मालती की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था। अब उनके घर में रोटी भी नहीं बची थी। अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, अब हम क्या करें? मेरी समझ से सब बाहर हो रहा है मालती। तभी बादल उन दोनों को परेशान देखकर अपनी जगह से चलकर पास ही रखी बैलगाड़ी के पीछे के हिस्से के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने सींगों से उसे उठाने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर सोमू और मालती रोने लगे। मजबूरी में सोमू ने बादल को बैलगाड़ी से जोड़ा और दिन भर सामान ढोने का काम किया। आज हमारे बुरे समय में बादल ही काम आ रहा है। मैं बादल से बिल्कुल भी इतना ज्यादा काम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज बादल ने बेटे से बढ़कर फर्ज निभाया है। उसने टूटी टांग से भी हमारे लिए रोटी कमाई है,
सोमू और मालती दोनों की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। तभी वहां महकार आ गया। अब मुझे ही इस बादल को लेने आना पड़ा। इसकी टांग तोड़ने के बाद भी ये नहीं माना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ। हाँ, बादल को छोड़ दो, इसके बदले हम जीवन भर के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। आज प्रतियोगिता है, मैंने बादल का नाम लिखवा दिया है और अब बादल मेरा है। मैं इसके लिए तुम्हें अब एक भी पैसा नहीं दूंगा। तुम मुझे मार दो और बादल को ले जाओ, क्योंकि मैं अपने जीते जी बादल को नहीं ले जाने दूंगा। देखो, मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। महकार ने सोमू को धक्का मारा और बादल के गले में बंधी रस्सी को हाथ में फंसाकर चलने लगा। सोमू और मालती दोनों जोर जोर से रो रहे थे। बादल भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। महकार उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचकर आगे ले जाना चाहता था। मुझे जल्दी से प्रतियोगिता में पहुंचना है, और एक तू है कि चल ही नहीं रहा। बादल को बहुत क्रोध आया, वो बहुत तेज दौड़ने लगा। महकार का हाथ उसकी रस्सी में फंस चुका था, इसलिए महकार को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ा। लेकिन ज्यादा दूर तक वो दौड़ नहीं पाया और नीचे गिर गया। लेकिन बादल नहीं रुका, उसने महकार को पूरे गांव में जमीन पर खदेड़ा। बादल रुक जा मेरे बच्चे, वो मर जाएगा, रुक जा। गांव के सभी लोग ये देख रहे थे और कुछ देर में ही महकार की तड़प तड़प कर मौत हो गई। सोमू और मालती भी वहां पहुंचे। बादल, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये तूने गलत किया। बादल ने जो आज किया वो उसकी मजबूरी बन गई थी। बादल दोनों के पैरों से लिपट गया। मालती और सोमू ने भी उसको गले से पकड़ लिया और तीनों का प्रेम अश्रु बनकर बह गया। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है।